आज गुरु पूर्णिमा है, गुरु पूर्णिमा का पावन दिवस है। इस अवसर पर मैं समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं। और हर वर्ष गुरु पूर्णिमा में हम संतों का आशीर्वाद लेते हैं, दर्शन करते हैं। आज हम मनोहर आश्रम भी गए, वहां भी पूज्य श्री प्रियदर्शी बाबा जी का दर्शन किए, उनका आशीर्वाद लिए। यहाँ भी कोसमनारा बाबा धाम में पूज्य श्री सत्यनारायण बाबा जी का दर्शन किए, उनका आशीर्वाद लिए। का दर्शन हुआ है, उनका आशीर्वाद प्राप्त किए हैं। विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है, कांग्रेस जो है घिराव की तैयारी कर रही है, क्यों डेवलपमेंट नहीं दिख रहा है कांग्रेस को? कल से विधानसभा का मानसून सत्र प्रारंभ हो रहा है जो 26 जुलाई तक चलेगा, और विपक्ष का धर्म निभा रहे हैं हम लोग। कोई उनके पास मुद्दा तो है नहीं, और इतना विकास कर रहे हैं हम लोग 6-7 महीने में, वो उनको दिखता नहीं है। उनको उनका एक कहना होता है कि सरकार कुछ भी नहीं कर रही है, जबकि इस तरह से हम लोग ऐतिहासिक काम किए हैं पिछले 6-7 महीने में, जबकि 2 महीना चुनाव आचार संहिता में चला गया, फिर भी हम लोग 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दिए हैं, 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदे हैं, 145 लाख मीट्रिक टन धान खरीदे हैं, 3100 रुपया धान का कीमत दिए हैं, 24,72,000 से ज्यादा किसानों को 13,320 करोड़ रुपया अंतर की राशि एक मुश्त दिए हैं, 70 लाख से ज्यादा माता बहनों को प्रति महीना महतारी बंधन योजना में 1,000 उनके खातों में भेज रहे हैं, तेंदुपत्ता इस साल 5,500 प्रति मानक बोरा खरीदे हैं, रामलला दर्शन योजना की शुरुआत हो चुकी है। इतना सारा काम हम लोगों ने ये 5-6 महीने में किया है। अभी भी कई महिलाओं को नहीं मिल रहा है, बार बार सवाल उठा रहे हैं। अब सब दिख तो रहा है, लेकिन अब कोई मुद्दा नहीं है, तो विपक्षी धर्म तो उनको निभाना ही है ना। आपने सेंटर में नेताओं से भेंट की, क्या छत्तीसगढ़ के बारे में? हाँ, छत्तीसगढ़ के विकास के लिए सभी वचनबद्ध हैं, और सब से अधिक सहयोग का आग्रह कर रहे हैं। और अभी पिछले 1-2 बार में कई मंत्रियों से मुलाकात हुई है, हमारे परिवहन सड़क मंत्री से, रेल मंत्री से, और कई मंत्रियों से हुआ है, और सबने आश्वस्त किया है छत्तीसगढ़ को विकास के लिए अधिक से अधिक राशि देंगे। आज गुरु पूर्णिमा है, गुरु पूर्णिमा का पावन दिवस है। इस अवसर पर मैं समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं। और हर वर्ष गुरु पूर्णिमा में हम संतों का आशीर्वाद लेते हैं, दर्शन करते हैं। आज हम मनोहर आश्रम भी गए, वहां भी पूज्य श्री प्रियदर्शी बाबा जी का दर्शन किए, उनका आशीर्वाद लिए। यहां भी कोसमनारा बाबा धाम में पूज्य श्री सत्यनारायण बाबा जी का दर्शन किए, उनका आशीर्वाद लिए। का दर्शन हुआ है, उनका आशीर्वाद प्राप्त किए हैं। विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है, कांग्रेस जो है घिराव की तैयारी कर रही है, क्यों डेवलपमेंट नहीं दिख रहा है कांग्रेस को? कल से विधानसभा का मानसून सत्र प्रारंभ हो रहा है जो 26 जुलाई तक चलेगा, और विपक्ष का धर्म निभा रहे हैं हम लोग। कोई उनके पास मुद्दा तो है नहीं, और इतना विकास कर रहे हैं हम लोग 6-7 महीने में, वो उनको दिखता नहीं है। उनको उनका एक कहना होता है कि सरकार कुछ भी नहीं कर रही है, जबकि इस तरह से हम लोग ऐतिहासिक काम किए हैं पिछले 6-7 महीने में, जबकि 2 महीना चुनाव आचार संहिता में चला गया, फिर भी हम लोग 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दिए हैं, 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदे हैं, 145 लाख मीट्रिक टन धान खरीदे हैं, 3100 रुपया धान का कीमत दिए हैं, 24,72,000 से ज्यादा किसानों को 13,320 करोड़ रुपया अंतर की राशि एक मुश्त दिए हैं, 70 लाख से ज्यादा माता बहनों को प्रति महीना महतारी बंधन योजना में 1,000 उनके खातों में भेज रहे हैं, तेंदुपत्ता इस साल 5,500 प्रति मानक बोरा खरीदे हैं, रामलला दर्शन योजना की शुरुआत हो चुकी है। इतना सारा काम हम लोगों ने ये 5-6 महीने में किया है। अभी भी कई महिलाओं को नहीं मिल रहा है, बार बार सवाल उठा रहे हैं। अब सब दिख तो रहा है, लेकिन अब कोई मुद्दा नहीं है, तो विपक्षी धर्म तो उनको निभाना ही है ना। आपने सेंटर में नेताओं से भेंट की, क्या छत्तीसगढ़ के बारे में? हाँ, छत्तीसगढ़ के विकास के लिए सभी वचनबद्ध हैं, और
सब से अधिक सहयोग का आग्रह कर रहे हैं। और अभी पिछले एक दो बार में कई मंत्रियों से मुलाकात हुई है, हमारे परिवहन सड़क मंत्री से, रेल मंत्री से और कई मंत्रियों से हुआ है और सबने आश्वस्त किया है छत्तीसगढ़ को विकास के लिए अधिक से अधिक राशि देंगे। आज गुरु पूर्णिमा है, गुरु पूर्णिमा का पावन दिवस है। इस अवसर पर मैं समस्त छत्तीसगढ़वासियों को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई शुभकामना देता हूँ। और हर वर्ष गुरु पूर्णिमा में हम संतों का आशीर्वाद लेते हैं, दर्शन करते हैं। आज हम मनोहर आश्रम भी गए, वहाँ भी पूज्य श्री प्रियदर्शी बाबा जी का दर्शन किए, उनका आशीर्वाद लिए। यहाँ भी कोसमनारा बाबा धाम में पूज्य श्री सत्यनारायण बाबा जी का दर्शन किए, उनका आशीर्वाद लिए। का दर्शन हुआ है, उनका आशीर्वाद प्राप्त किए हैं। विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है, कांग्रेस जो है घेराव की तैयारी कर रही है, क्यों डेवलपमेंट नहीं दिख रहा है कांग्रेस को? कल से विधानसभा का मानसून सत्र प्रारंभ हो रहा है जो 26 जुलाई तक चलेगा। और अब विपक्ष का धर्म निभा रहे हैं हम लोग, कोई उनके पास मुद्दा तो है नहीं। और इतना विकास कर रहे हैं हम लोग 6-7 महीने में, वो उनको दिखता नहीं है। उनको उनका एक आना होता है कि सरकार कुछ भी नहीं कर रही है, जबकि इस तरह से हम लोग ऐतिहासिक काम किए हैं पिछले 6-7 महीने में, जबकि 2 महीना चुनाव आचार संहिता में चला गया, फिर भी हम लोग 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दिए हैं, 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदे हैं, 145 लाख मीट्रिक टन धान खरीदे हैं, 3100 रुपया धान का कीमत दिए हैं, 24,72,000 से ज़्यादा किसानों को 13,320 करोड़ रुपया अंतर की राशि एक मुश्त दिए हैं, 70 लाख से ज़्यादा माता बहनों को प्रति महीना महतारी बंधन योजना में 1,000 उनके खातों में भेज रहे हैं, तेंदुपत्ता इस साल 5,500 प्रति मानक बोरा खरीदे हैं, रामलला दर्शन योजना की शुरुआत हो चुकी है। इतना सारा काम हम लोगों ने ये 5-6 महीने में किया है। अब सब दिख तो रहा है, लेकिन अब कोई मुद्दा नहीं है तो विपक्षी धर्म तो उनको निभाना ही है ना। आपने सेंटर में नेताओं से भेंट की है, क्या छत्तीसगढ़ के बारे में? हाँ, छत्तीसगढ़ के विकास के लिए सभी वचनबद्ध हैं और सब से अधिक सहयोग का आग्रह कर रहे हैं। और अभी पिछले एक दो बार में कई मंत्रियों से मुलाकात हुई है, हमारे परिवहन सड़क मंत्री से, रेल मंत्री से और कई मंत्रियों से हुआ है और सबने आश्वस्त किया है छत्तीसगढ़ को विकास के लिए अधिक से अधिक राशि देंगे।